रामपुर अजर लाइब्रेरी बोर्ड की 45वीं बैठक संपन्न हुई। राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में राजभवन में बैठक हुई। राजभवन में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में मुंशी नवल किशोर अवार्ड की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए की गई। मोहम्मद अली जौहर के नाम पर एक अवार्ड की शुरुआत की गई, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को दिया जाएगा। जूनियर और सीनियर पत्रकारों को यह अवार्ड दिया जाएगा। 75,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र अवार्ड के रूप में दिया जाएगा। यूपी में पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर सवालों में है। खाकी को शर्मसार करने वाला प्रतापगढ़ में मामला सामने आया है, जहां थाने में इंसाफ की बजाय एक मासूम की इज्जत का मोलभाव किया गया। दरअसल कोहडोर थाना इलाके के सुंदरपुर गांव की एक नाबालिग के साथ उसके शादीशुदा चाचा ने दुराचार किया और मुंह बंद रखने के लिए डराया धमकाया, लेकिन पीड़ित जब गर्भवती हुई तो परिवार को सारा मामला पता चल गया। परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन दो दिन तक पुलिस उगाही का खेल खेलती रही। ग्राम प्रधान और आरोपी को समर्थकों के साथ थाने में पंचायत हुई। आरोपी से पीड़िता को 30,000 रुपए दिलाकर मुंह बंद रखने की धमकी दी गई, जिसके बाद से पुलिस और आरोपी पीड़िता और उसके परिवार को धमका रहे हैं। पीड़ित परिवार अफसरों के चक्कर काट रहा है। एसपी भी मामले में खामोश है। बलिया में एक फिल्म अभिनेत्री पर तेजाब से हमला कर दिया गया। महिला पर उससे एक तरफा प्यार करने वाले दोस्त ने हमला किया। आरोपी अभिनेत्री के दूसरे लड़के से बात करने से आरोपी नाराज था। आरोपी ने सोते वक्त अभिनेत्री पर हमला किया, चेहरे पर तेजाब फेंककर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिससे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला कलाकार गाजीपुर की रहने वाली है, जो एक फिल्म की शूटिंग के लिए आई हुई थी। वहीं पुलिस की माने तो रसरा कोतवाली क्षेत्र में फिल्म शूटिंग की जानकारी कलाकारों को पुलिस को नहीं दी थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में शुरू कर दी है। कानपुर में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने भोजपुरी गायिका पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब के छींटे गायिका के हाथ और उंगलियों पर पड़े, जिससे भोजपुरी गायिका गंभीर रूप से झुलस गई। मामला कैंट थाना इलाके का है, जहां ग्वालटोली क्षेत्र की रहने वाली गायिका नंदनी निजी काम से कैंट तक गई थी। इस दौरान पीछे से आए बदमाशों ने जयपुरिया क्रॉसिंग के पास तेजाब फेंक कर फरार हो गए। गायिका को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। नंदनी की माने तो उसे पहले भी धमकी मिल चुकी है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी मारुति कार तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई, जिससे उसके पर खच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने मृतकों के पास से बरामद कागजातों के आधार पर उनकी शिनाख्त की। बताया जाता है कि हादसे में शिकार होने वाले लोग गुजरात के हैं। पुलिस के अनुसार उक्त लोग मंदिर दर्शन करके वापस लौट रहे थे। गाजीपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक स्कूल के प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जामनिया कस्बे की है। बदमाशों ने वारदात को समय अंजाम दिया, जब प्रबंधक कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। गेट पर प्रबंधक को गोली मारकर बाइक सवार बदमाश भाग निकले। अस्पताल ले जाते वक्त प्रबंधक की रास्ते में ही मौत हो गई। अलीगढ़ की कोतवाली में चमुहा के खेत में एक महिला के साथ सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया है। 4 युवकों ने गैंगरेप के बाद महिला का गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। महिला की चीख सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रही महिलाएं भी दौड़ पड़ी, लेकिन आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेजा। मऊ जिले में दबंगों ने जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों को पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। मामला मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के अलाउद्दीन पट्टी गांव का है, जहां पर दो पक्षों में कई दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि दबंग पक्ष के लोग विवादित जमीन पर जुताई कर रहे थे, तभी पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित पक्ष को मारकर पीट कर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। फैजाबाद जेल में बंद माफिया खान मुबारक के खौफ का दायरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही एक धमकी भरा वीडियो जेल से जारी हुआ था और अब खान मुबारक जेल से फिरौती मांगता है। ताजा मामला हंसपुर थाना क्षेत्र का है, जहां जनरल स्टोर दुकानदार हकीम और सराफा व्यवसायी बेचू लाल को 2 दिन में जेल में बंद खान मुबारक की तरफ से धमकी मिल रही है। इतना ही नहीं, एक व्यवसायी भूतनाथ के जरिए उन्हें जेल में मिलने के लिए बुलाया गया। यह धमकी एक ही मोबाइल नंबर से परवेज अभिषेक के बदमाशों ने दी है। ये दोनों बदमाश इस समय फैजाबाद में खान मुबारक के सहयोगी के रूप में बंद हैं। वहीं जेल में से धमकी मिलने के बाद हंसपुर बाजार के व्यवसायियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। फरुखाबाद में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के अमित हत्याकांड में दरोगा आर के शर्मा का हाथ होने की बात सामने आ रही थी।
जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। दरोगा के निलंबन से पुलिस गुस्से में है। बीती 23 जून को नीब करोरी गांव के पास अमित का शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। इस मामले में मोहम्मदाबाद कोतवाली के दरोगा आरके शर्मा को निलंबित कर दिया गया। दरोगा पर कार्रवाई से गुस्सा आई मोहम्मदाबाद पुलिस नीब करोरी के शगुन गुप्ता और उनके बेटों को निर्दोष फंसाने की कोशिश कर रही है। पीड़ित शगुन का कहना है कि अमित की हत्या में एक दिन पहले शिवम गुप्ता और अनुज को बदमाशों ने लूटने की कोशिश की थी और शिवम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक बदमाश को पकड़ लिया था। इस घटना की जानकारी के लिए अमित ने शिवम से फोन पर बात की थी और अगले ही दिन अमित की हत्या कर दी गई। कब्रिस्तान और मंदिर की जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मामला बस्ती जिले के करण गांव का है जहां एक जमीन पर पिछले 65 साल से मंदिर बना है जहां हिंदू पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। मुसलमानों ने इस कब्रिस्तान की जमीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में ही मंदिर और कब्रिस्तान को बराबर बराबर जमीन देने का फैसला सुनाया था, लेकिन जिला प्रशासन ने उस जमीन का अभी तक बंटवारा नहीं करवाया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार अमीन भेजकर उस जमीन को ढूंढकर उसकी नापी कराई। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक सहित बीएसई की कंपनी मौके पर पहुंच गई। मथुरा के फरहा इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक नाबालिग लड़की का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। 12 साल की मासूम घर से किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों को उसकी जानकारी हुई तो स्टेशन के पास रहने वाला एक युवक मासूम को साथ ले गया था। उन्होंने युवक से पूछताछ की तो युवक ने कबूल किया कि उसने और उसके एक साथी ने दुराचार के बाद मासूम की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी और उसके साथी को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसे एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्साए लोगों ने मथुरा अजमेरा रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। कानपुर के रतनलाल नगर में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कार में आग बुझाने की कोशिश हुई तो लेकिन आग तब तक विकराल रूप ले चुकी थी। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग इतनी विकराल थी कि आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। गनीमत रही कि कार में लगी गैसकेट फटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वाराणसी में एक कटी पतंग ने एक बार फिर एक मासूम की जिंदगी की डोर काट दी। घटना शहर की नखीकाट पुल की है जहां के रहने वाले एक मजदूर का 6 साल का बेटा शिवम कटी पतंग की डोर को पकड़ने के चक्कर में कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पंचकोशी मार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस और दमकल कर्मी अगर समय पर वहां पहुंच जाते तो बच्चे को कुएं से जिंदा निकाला जा सकता था। हालांकि कुछ देर बाद थाना अध्यक्ष कैंट मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मांग को खत्म करवाया। जौनपुर में बीटीसी परीक्षा के दौरान पेपर हल कराते कक्ष निरीक्षक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कक्ष निरीक्षक व्हाट्सएप से सवाल बाहर भेजता और फिर उसका जवाब मांगता है। हाईटेक तरीके से हो रही धांधली का पता जिला प्रशासन को चला तो एसडीएम सदर सीरियो सिटी के मैफोर्स नगर में टीडी इंटर कॉलेज में छापा मारा तो वहां नकल माफियाओं की पोल खुल गई। जांच पूरी हुई तो पुलिस को भारी मात्रा में मोबाइल और प्रश्न पत्र हाथ में लगे। पुलिस इस नकल में शामिल होने के शक पर कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। इस कार्रवाई से कॉलेज में हड़कंप मचा रहा। कुशीनगर के विश्वविख्यात महापरिनिर्वाण मंदिर में पुरातत्व अवशेषों पर खतरा मंडरा रहा है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और उसके आसपास संरक्षित स्थानों पर के पास धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। पुरातत्व विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध निर्माण पर कोई लगाम नहीं लग पा रहा है। पुरातत्व विभाग ने अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ कुशीनगर विशेष विकास प्राधिकरण और स्थानीय कसाया थाने को मुकदमा दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा है, लेकिन कसाड़ा और कसिया थाने ने इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से धड़ल्ले से संरक्षित स्थलों के आसपास निर्माण कार्य चल रहा है। हैरत की बात यह है कि कुशीनगर का जिला प्रशासन भी इसमें कोई रुचि नहीं ले रहा है। आजकल नौकरियों के सारे फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, ऐसे में फॉर्म बेचने वाले दुकानदारों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। किसी दुकानों में इन दुकानों पर बेरोजगार लोगों का हुजूम लगा रहता था और इन दुकानदारों की अच्छी खासी कमाई भी होती थी, लेकिन अब सभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जिससे इन दुकानों पर अब फॉर्म लेने कोई नहीं आता। देश के मिसाइल मैन और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन का पूरा देश गमगीन है। धर्मनगरी काशी भी इस अमर सपूत के इंतकाल से आहत है। राजेंद्र प्रसाद घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद कर श्रद्धांजलि दी गई।